और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी और अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज। दरअसल रोहतक से बिजली बिल भरने के नाम पर ठगी की गई है। करीब 4 करोड़ लेकर कंपनी फरार हो गई है। 545 से ज्यादा उपभोक्ताओं को चूना लगाया गया है। ठगी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। शिकायत के बाद हालांकि पुलिस ने केस जरूर दर्ज किया है। ई पे कंपनी से एग्रीमेंट हुआ था और कंपनी के कर्मचारियों ने इस पूरी धोखाधड़ी को अंजाम दे डाला। अकेले रोहतक रेंज में ही करोड़ों की ठगी हुई है। बेहद ही बड़ी और अहम खबर, बिजली बिल भरने के नाम पर किस तरह से एक कंपनी द्वारा ये 4 करोड़ की ठगी की गई। फरवरी 2022 में हमारा 1066 का बिल आया था जो कि हमने भर दिया था, और वही बिल बार बार लग के बिल में आ रहा है। हमने बिजली विभाग के आला अधिकारियों से बात की, वो कहते हैं हमने कंपनी को ठेका दे रखा था, भैया वो तो भाग गए, अब इसमें हमारा क्या कसूर है। हमने टाइम पे बिल पे कर दिया था, बार बार हमारे को इससे हरासमेंट मिलती है, तो ये मतलब ठीक नहीं है। फरवरी में हमारा बिल आया था जी 699 रुपये, तो वो हमने भर दिया था, पेड कर दिया था। अब वो बिल बार बार लग के आ रहा है, हर बिल में वो जुड़ के आता है, हम इनसे कटवाते फिर दोबारा लग के आ जाता है जी। वो कहते हैं जी कंपनी भाग गई है, तो कंपनी भाग गई, हमारा इसमें क्या दोष है, हमारी क्या दिक्कत, हमें क्यों परेशान करते हैं ये लोग बार बार इनके हम बिल कटवाओ फिर दोबारा लग के आ जाता है जी, ये परेशानी है जी। काफ़ी उपभोक्ताओं के साथ में किया है कि पैसा तो उनसे लेके रिसिप्ट जनरेट करके उनको दे दी गई, लेकिन वो पैसा निगम के पास डिपॉजिट ना होने की वजह से उन उपभोक्ताओं के अकाउंट में नहीं आया। FIR रजिस्ट्रेशन करवा दी गई EPA के अगेंस्ट में, और पुलिस अब इसकी जाँच कर रही है। जाँच करने के बाद जो भी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो पुलिस उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। तो तमाम बयान आपने सुने, किस तरह से लोगों ने अपनी पीड़ा को जाहिर किया है वो भी जाना। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय कुमार रोहतक से जुड़ गए हैं। संजय, ये काफी बड़ा घोटाला और बड़ी ठगी सामने आई है, 4 करोड़ से ज्यादा की ठगी ये बताई जा रही है। आखिर कब से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थी, और इस कंपनी को लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आ पाई हो? देखिए, अक्सर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना जब करना पड़ता था, जब उनके बिजली के बिल नहीं आ पाते थे, और वो बिजली के बिल अगर ऑनलाइन भी भर देते तो जो है उनका बिल नहीं भरा जाता और दोबारा से उनको फाइन लगकर जो है बिजली का बिल आता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दिक्कतें जो है लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि कुछ लोग जो है लगातार बिल भर रहे थे, उसके बावजूद भी उनको फाइन लगकर बिल आ रहा था। तो ऐसे में जो है वो अधिकारियों के पास पहुंचे, तब उनको जाकर पता लगा कि ये एक कंपनी है, ई कंपनी जो कि जिसमें ई पे कंपनी जो कि बिजली के बिल भरने का जो टेंडर इसने लिया हुआ था, 2018 में ये टेंडर उठा था, उसके बाद लगातार यही इससे कर्मचारी जो है बिजली के बिल वसूल कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिल जमा न होने के कारण जो है उनका जो ब्याज था वो लगकर और जो उपभोक्ता थे उन पर जो है बोझ पड़ रहा था। तो ऐसे में जो है उपभोक्ता ठगे से महसूस कर रहे थे, उसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों से लगातार जो है उनकी शिकायत दी जा रही थी, लेकिन आज जो है कार्यालय में पहुंचे उन्होंने साफ तौर पर ये शिकायत दी कि इस तरह की जो है धांधलीबाजी है। तो अधिकारियों ने भी जो इस मामले की जांच की थी, और जांच में पाया गया था कि ये ई पे कंपनी जो है बिजली के बिल भरती है, ये पूरी इस कंपनी ने काफी करोड़ रुपए का जो है घोटाला किया हुआ है और उपभोक्ताओं के बिल नहीं भरे हुए हैं। तो ऐसे में जो है कंपनी के खिलाफ जो है कार्रवाई करने के भी जो है निर्देश अब जो है बिजली विभाग के कर्मचारियों ने दिए हैं, और साफ तौर पर ये कहा गया कि जिन उपभोक्ताओं को बिल नहीं भरा गया उसका भी जो है कोई लेकिन समाधान निकाला जाएगा। एक बड़ा सवाल ये उठता है यहाँ पर कि आखिर विभाग को इस पूरे घोटाले की, इस पूरी धोखाधड़ी की आखिर जानकारी कैसे नहीं हो पाई, क्योंकि कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, सैकड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, करोड़ों की ठगी ये पूरी बताई जा रही है। देखिए, ई पे जो कंपनी है उससे कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो कि लापरवाही करते थे, और जो है कर्मचारियों का कंपनी को भी नहीं पता बताया जा रहा है। अभी तक जो सामने आया है मामला उसमें यही बताया जा रहा है कि कुछ कर्मचारियों की घोटालेबाजी की वजह से ये सारा मामला हुआ है, उनकी लापरवाही की वजह से सारा मामला हुआ है। लगभग जो है ये अगर हम बात करें तो 4 करोड़ से अधिक का जो है मामला बताया जा रहा है, और इसमें कौन कौन संलिप्त है इसकी जो है पुलिस में जो है FIR भी हुई है, और इसकी जो जांच करने की बात भी की गई है। हालांकि कौन कौन दोषी पाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आम जनता है जो अपना समय पर बिजली का बिल पे कर रही है, उनके साथ इस तरह की ठगी होना बड़ी बात है। इस पर जो है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता जो है लगातार यही मांग कर रही है, और साफ तौर पर ये
कहती नजर आ रही है कि उनकी कोई गलती नहीं है, तो इसमें जो है वो लगातार उनके पास जो है ब्याज बन लगकर जो है बिजली के बिल में इंक्लूड होकर आ रहा, तो कहीं ना कहीं आम लोग जो है ठगा समझ रहे हैं। तो संजय, कंपनी और विभाग के बीच में किस तरह से चीजें बदली हैं और बिगड़ी हैं उसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।